महानुभाव जागृत करना चाहूंगा, कृपया अंदर आके अपना आसन ग्रहण करें और अगले वक्ता के रूप में व्याख्याता आप सभी समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। आज के इस मिलन समारोह में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मंच को और मेरे समाज बंधुओं को मैं मुकेश सैनी भगत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूं से, बहुत बहुत धन्यवाद। झुंझुनू राजनीति की चल रही है, उससे पहले मैं बिल्कुल संक्षिप्त में संगठन की बात करना चाहता हूं। ये झुंझुनू जिला जो सैनिक संगठन की बात करता हूं, मैं बड़ा लालायित हूं। इसी जगह एक सम्मेलन हुआ था जिला अध्यक्ष के लिए, लेकिन आज तक कोई चर्चा नहीं हुई किसी से भी जिला अध्यक्ष की कोई रूपरेखा अगर हुई हो या हो जाए तो प्लीज एक सम्मेलन हो। इससे ज्यादा मैं जिला अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये मेरी बात संगठन के ऊपर हुई। अब मैं राजनीतिक दल की बात करता हूँ। राजनीतिक बात आज सैनी मंदिर सेवा समिति झुंझुनू द्वारा और होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम सैनी समाज का रखा गया, जिसमें जिले भर से जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग, छात्र और इन सबको लेके एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंतन के लिए और सामाजिक जागरूकता को लेके, सामाजिक कुरूतियों को दूर करने के लिए समाज की तरफ से आह्वान किया गया है और होली की बधाई को लेके कि होली त्यौहार है उसको बिना शराब पिए, बिना नशा किए नशा मुक्ति समाज में कैसे हो, नशा मुक्ति से संबंधित बड़े जो कुरूति समाज में, युवाओं में फैलती जा रही है उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर गहन चिंतन और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ ये बड़ा और अच्छा प्रोग्राम सैनी समाज की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें समाज भर से, जिले भर से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ समाज के लोग जो समाज के भवन में इकट्ठे हुए हैं उनके लिए एक दूसरे को बधाई देके इन्होंने समारोह पूर्वक समारोह प्रोग्राम को मनाया गया।